हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेवलिस्टिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी कश्मीर के खूबसूरत वादियों में से एक पहलगाम में। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ शानदार बर्फबारी देखने को मिलती है। पहलगाम बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के लंबे लंबे पेड़ों की वजह से जाना जाता है। यह स्थान अमरनाथ की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। पर्यटकों के लिए यह जगह खास है। यहाँ ट्रैकिंग और आइस स्केटिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश कर रहे हैं तो पहलगाम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। समुद्र तल से 2923 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहलगाम कभी केवल चरवाहों का गांव हुआ करता था, लेकिन आज इस स्थान ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों का खास टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यह श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से घिरा हुआ है। पहलगाम बॉलीवुड के लिए खास प्लेस है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आज मैं आपको इस वीडियो में पहलगाम की खास टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आरू वैली। पहलगाम की खूबसूरत आरू घाटी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। घने जंगलों से घिरा हुआ आरू वैली ट्रैकिंग और घुड़सवारी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहां पर्यटक कैंपिंग भी करते हैं। आरू वैली बेहद ही खूबसूरत फूलों की घाटी है जो पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी सुंदरता के कारण ही यह स्थान पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है। चंदनवारी। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु चंदनवारी है। पहलगाम से इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। पहलगाम घूमने आने वाले टूरिस्ट चंदनवाड़ी जरूर जाते हैं। लिदर नदी, झीलों, बर्फीले पहाड़ों से घिरा यह स्थान बेहद खूबसूरत है। बेताब घाटी। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ बेताब घाटी का नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब पर रखा गया है। इस घाटी पर देवदार और पाइन के पेड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत नदियां हैं। पहलगाम से बेताब घाटी की दूरी 15 किलोमीटर है। पहलगाम में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी। इसके बाद इस घाटी को फिल्म के नाम पर बेताब वैली नाम दिया गया। शहर के पास में एक शेषनाग झील भी स्थित है जो एक खूबसूरत जगह है। बैसरन। पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन एक आकर्षक चोटी है, जहां से पर्यटक बर्फ ढके पर्वत, घने जंगल और शानदार घास के मैदान को देख सकते हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहाड़ की चोटी पर पर्यटकों को जाने की अनुमति है, जहां से लिडर नदी घाटी और पहलगाम घाटी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहलगाम कब जाए? पहलगाम एक हिल स्टेशन है, यहाँ किसी भी मौसम में जा सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से जून तक जाना बेहतर होगा। अमरनाथ यात्रा का यह प्रारंभिक बिंदु है, जिसके कारण यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ शानदार बर्फबारी देखने को मिलती है। पहलगाम में आप रेशम और कई तरह के सुंदर सुंदर शॉल, कश्मीरी कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सूखे मेवे और कई सुंदर और आकर्षक वास्तुकला की खूबसूरत चीजें भी खरीद सकते हैं। पहलगाम कैसे पहुंचे? आप पहलगाम सड़क, प्लेन और ट्रेन के रास्ते आराम से पहुंच सकते हैं। यदि आप प्लेन के रास्ते पहलगाम पहुंचना चाहते हैं तो आप सीधा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। यहाँ से पहलगाम लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से आप कैब, प्राइवेट टैक्सी के जरिए पहलगाम पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के रास्ते पहलगाम पहुंचना चाहते हैं तो पहलगाम का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्बू तवी है, जहां से आप टैक्सी या कैब के जरिए पहलगाम पहुंच सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन से काफी बड़े राज्यों से सीधे ट्रेन सेवा उपलब्ध है। सड़क के रास्ते भी आप पहलगाम पहुंच सकते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि बड़े शहरों से सीधे सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। साथ ही पहलगाम के लिए कई बस सेवाएं भी उपलब्ध है। साथ ही यदि आप अपने वाहन से पहलगाम जाना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक सुखद यात्रा होगी।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।